नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे कुषाण काल के सिक्कों के बारे में कि उस समय कौन कौन से शासकों ने किस प्रकार के सिक्के चलाए थे और किस धर्म के प्रति वो अपनी आस्था रखते थे, उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सिक्कों के आधार पर जो क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। कुषाण काल के सिक्के यानी मौर्य उत्तर काल के शासकों के सिक्के और उन्होंने किन किन प्रकार के सिक्के चलाए थे और हमें उनके साक्ष्य किस प्रकार से मिलते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कुषाणों का प्रथम शासक था कुजुल कडफिसेस था, जिसने सोने का सिक्का नहीं चलाया। यानी हमें इतिहास में कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता कि इस शासक के बारे में ये मालूम चल सके कि इन्होंने सोने का सिक्का चलाया था। इन्होंने केवल इनका जो मिलता है हमें तांबे का सिक्का मिलता है क्या इनका हमें केवल तांबे का सिक्का मिलता है इनके बारे में यही चीज भी और यही मुख्य विशेषता भी है कि इनके सोने का सिक्का इन्होंने नहीं चलाया। नंबर एक, कुजुल कडफिसेस ने सोने का सिक्का नहीं चलाया। नंबर दो, इन्होंने केवल तांबे का सिक्का चलाया जो कि हमारे इतिहासकारों को मिला। तो इससे हमें यह प्रमाणित होता है कि इन्होंने केवल तांबे का ही सिक्का चलाया था। इन्हीं के बाद में जो शासक थे वो थे विम कडफिसेस को भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का चलाने का शेयर भी प्राप्त है। क्यों? यही माना जाता है इतिहासकारों ने और यह प्रमाण भी मिला है कि सबसे पहला सोने का सिक्का चलाने वाले विम कडफिसेस थे। लेकिन इन्होंने तीनों धातुओं के सिक्के चलाए थे या फिर यह समझिए कि इनके तीनों धातुओं के सिक्के मिलते हैं। इनके बाद जो शासक थे होविशक का हमें इतिहास में केवल एकमात्र चांदी का सिक्का मिलता है। ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि पेपरों में सिक्कों के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिक्कों पे बनी हुई आकृतियों के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनसे यह प्रमाणित होता है कि इन शासकों के समय में ये कौन से धर्म में अपनी आस्था रखते थे। तो होविशक का एकमात्र चांदी का सिक्का मिलता है और उसके बाद जो शासक थे वो थे कनिक्स का कोई भी चांदी का सिक्का नहीं मिलता। क्या? चांदी का सिक्का नहीं मिलता। इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए आप ये मान लीजिए कि इन शासकों के नाम दे दिए जाएं और ये पूछा जाए कि सोने का सिक्का किसका नहीं मिलता, तो कुजुल कडफिस का। या फिर ये पूछ लिया जाए कि तांबे का सिक्का कौन से शासक ने चलाया था, तो कुजुल कडफिस है और भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का चलाने वाले विम कडफिस है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि कौन से शासकों ने कौन कौन से सिक्के चलाए और कौन कौन से सिक्के नहीं चलाए, उनके बारे में पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो चीजें मैंने आपको थोड़ी विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो के माध्यम से, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे भी। तो कनिक्स का कोई भी चांदी का सिक्का नहीं मिलता और कनिक्स ने जो सोने के सिक्के या फिर जो सिक्के चलाए उसमें क्या थी, 90% शुद्धता थी कनिष्क के सिक्कों में। सिक्कों की जो दर पद्धति थी वो इंडो ग्रीक यानी तीन मन मान भार मतलब कि तीनों पे उनकी जो पद्धति थी इंडो ग्रीक तीनों पद्धति यानी यूनानी पद्धति भी थी, ईरानी और स्थानीय तक्षशिला के मान भार पर। यानी उस समय जो कि सिक्के
यूनानी ईरान और तक्षशिला में चलते थे, उन्हीं के आधार पर इन्होंने भी सिक्के चलाए थे। ठीक है, इनके सिक्के जो थे, इनके सिक्के द्विभाषीय, यानी सिक्कों पर दो भाषा थी और द्वि लिपियां ही, यानी दो भाषा और दो लिपि भी थी इनके सिक्कों पर। पहली लिपि, ये जो कुषाण वंश था, ये उन्हीं वंश के सिक्कों के ऊपर प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या थी पहली लिपि? पहली लिपि क्या थी इनकी? यूनानी। पहली लिपि की जो भाषा थी वो यूनानी थी और दूसरी लिपि की भाषा प्राकृत। दूसरी की क्या थी? प्राकृत और भाषा लिपि खरोष्ठी। यानी पहली की, पहली जो लिपि थी सिक्कों की लिपि, सिक्कों की जो पहली लिपि थी वो, उनकी जो लिपि थी और भाषा थी वो यूनानी थी, और दूसरे की क्या थी? प्राकृत, और उनकी जो लिपि थी वो खरोष्ठी थी। कनिक्स प्रथम समझ लीजिए, यानी कनिक्स ने क्या चलाया था? बुद्ध मूर्ति के सिक्के बनाए थे। कनिक्स ने बुद्ध मूर्ति के सिक्के बनाए थे, किसमें? एक तो खड़ी मुद्रा में और एक अभय मुद्रा में। ये जानकारी किसकी है? कनिक्स के समय की, कि कनिक्स जी ने कौन कौन से सिक्के, किस प्रकार के सिक्के चलाए थे। एक तो बुद्ध मूर्ति के सिक्के बनाए, और बुद्ध मूर्ति कैसी थी? खड़ी मुद्रा में और अभय मुद्रा में। बुद्ध के नीचे क्या लिखा हुआ था? इन्होंने सिक्के बनाने के बाद मूर्ति के नीचे भी कुछ लिखा था, वो क्या था? बोडो लिखा हुआ था। क्या? बोडो, और शिव का चित्र। शिव के चित्र से यह प्रमाणित होता है कि इनकी आस्था शैव धर्म में, शैव धर्म के प्रति भी थी। ठीक है, कुजुल कटफिशेस में शिव नहीं है, यानी इन जो कुजुल कटफिशेस है इनके सिक्कों पर शिव नहीं है। ये चीज आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कि इनके ऊपर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बुद्ध जी के जो सिक्के थे, यानी कनिक्स के जो सिक्के थे, वो बुद्ध जी के, बुद्ध मूर्ति के सिक्के बनवाए थे उन्होंने, और उनके नीचे लेख भी लिखवाए थे, और शिव जी के चित्र, यानी बुद्ध धर्म को भी मानने वाले थे ये, और शिव धर्म को भी। लेकिन जो कुजुल कटफिशेस थे उनके सिक्कों पर शिव नहीं है। शिव नहीं का मतलब है कि उनकी आस्था उस समय शिवजी में नहीं थी। ठीक है, विम कटफिशेस के सिक्कों पर, ये विम कटफिशेस वही है जिन्होंने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। ठीक है, इनके सिक्कों पर क्या थी? शिव, त्रिशूल, नंदी का चित्र। शिव, त्रिशूल और नंदी का चित्र, इससे यह प्रमाणित होता है कि इनकी आस्था हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रति भी थी, और यह शिव, त्रिशूल और नंदी के चित्र से यह प्रमाणित हो जाता है कि ये शिव धर्म को भी मानने वाले थे। इनके लिए ना ग्रीक भाषा में, अब इनके लिए ग्रीक भाषा में इन क्या लिखा हुआ है? ओसो किसके लिए लिखा हुआ है? यानी शिव, त्रिशूल और नंदी, शैव धर्म की भाषा में, ग्रीक भाषा में इनके लिए इन्होंने ओसो लिखा हुआ है। और उमा का अंकन है, उमा का अंकन भी विम कटफिशेस के सिक्कों पर मिलता है। इनकी जो शुरुआत है, इनकी शुरुआत हुविशक के मुद्रा से हुई, हुविशक के मुद्रा से ये शुरुआत, यानी जो अंकों की, ये अंकन की जो प्रक्रिया है या परंपरा है, वो हुविशक की मुद्रा से ही शुरू होती है, या उनके समय से। उमा को ग्रीक भाषा में क्या बोला गया है? उमा को ग्रीक भाषा में ओमो लिखा गया है उमा जी को। और कार्तिकेय की आकृति को ग्रीक भाषा में क्या कहा गया है? भाषा कौन सी? ग्रीक। ओसगांडो,
कार्तिक को भी ग्रीक भाषा में ओसगंदो कुमार बीजागोल, कुमार बीजागोल का वर्णन किया गया है। किसको? कार्तिकेय को। इसी के आधार पर अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विम कड फिशेस के सिक्कों पर किसकी आकृतियां हैं, शिव त्रिशूल और नंदी की, या फिर इनको ग्रीक भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो ओसो के नाम से, और किन सिक्कों पर उमा का अंकन है, तो विम कड फिशेस के। इसी प्रकार से पेपरों में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इनके कुछ सिक्कों पर क्या है, गणेश का वर्णन भी है। किनके? विम कड फिशेस के। इनके यानी इंडो ग्रीक मान लो, या फिर विम कड फिशेस इंडो जो ग्रीक थे, इनके सिक्कों पर गणेश का वर्णन भी है और उनकी आकृति, उनकी आकृति बिना हाथी के सूंड के, बिना हाथी के सूंड के भी इनकी आकृति है गणेश जी की। और इनको ग्रीक भाषा में क्या कहेंगे? इनको ग्रीक भाषा में कोसमांडो, कोसमांडो लिखा गया है ग्रीक भाषा में। पूरण सिक्का, इनका एक पूरण पूरण सिक्का है जो कि चांदी का था। अब देखो कुषाणों का एक सिक्का था पूरण, वो किस चीज का था? चांदी का, जो कि मथुरा लेख में है, यानी मथुरा से जो लेख लिखा हुआ है उससे यह चीज प्रमाणित होती है। उस लेख में इसका जिक्र है कि पूरण सिक्का चांदी का था जो कि कुषाणों का था। हुविसिक, ये जो पूरण सिक्का है ये हुविसिक का है। क्या? हुविसिक का सिक्का है। और इसका साक्ष्य, इसका साहित्यिक साक्ष्य मनुस्मृति में भी है, क्योंकि मनुस्मृति का जो समय है वो गुप्तों के आसपास का है, गुप्त काल यानी 3 से 4 सदी, और मौर्योत्तर का जो समय है वो 2 ईसा पूर्व से 3 सदी का है। तो इसलिए हम यह भी मान सकते हैं कि जो साहित्यिक साक्ष्य में अगर बात करें, हुविसिक के सिक्के का जो पूरण नाम का सिक्का, इसका अगर जिक्र हुआ है तो वो मनुस्मृति में भी हुआ है। इसी के बाद में बात करते हैं कला और वास्तुकला की, कुषाणों की कला और वास्तुकला की हम बातें करते हैं। तो कुषाणों के समय में क्या है? कुषाण प्रसाद जो कि खुदाई में मिला था। कला की अगर हम बात करें, अभी तक जो हमने बातें करी थी वो करी थी सिक्कों की, और सिक्कों के ऊपर जो अंकन मिलते हैं, जो आकृतियां मिलती हैं, कौन से देवी देवताओं की मिलती है, उनके बारे में, कुषाणों से संबंधित। अब कुषाणों से ही संबंधित कला और वास्तुकला की हम बातें करते हैं। तो वास्तुकला की अगर बात करें तो टोपर कला से, टोपर कला एक स्थान है, कहाँ है? खवाजीरम, खवाजीरम में टोपर कला स्थान है। यहां से हमें क्या मिला है? कुषाण का कुषाण प्रसाद मिला है, कुषाण का कुषाण प्रसाद मिला है। क्या? ये कौन सी सदी का है? 3 से 4 सदी का, 3 से 4 सदी का है। इसका उल्लेख, इसका उल्लेख क्या? फायान ने भी अपने वृत्तांत में पुरुषपुर के ब्रुज का उल्लेख किया है, यानी फायान भी इसका जिक्र करते हैं, क्योंकि फायान गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आए थे और कुषाणों के बाद में गुप्तों का ही शासन शुरू होता है, तो इसलिए इन्होंने भी वहां पर इसका जिक्र किया हुआ है। और फाइया ने और किस चीज का जिक्र किया है? पुरुषपुर के, पुरुषपुर के ब्रज होम का भी। यह क्या बताया इन्होंने? ये जो मिला था ना कुषाण प्रसाद, ये 3 मंजिल का भव्य इमारत थी, 3 मंजिल की भव्य इमारत, ठीक है। और सांची के स्तूप को दोगुना किया गया था, सांची का स्तूप। अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो यही तो कर रहे हैं कि मौर्योत्तर काल की बातें कर रही हैं, मौर्योत्तर काल की। जो कुषाण समय में सांची का स्तूप बना था, इस स्तूप को, सांची का स्तूप जो कुषाणों के समय में बना था, इसका दुगुना, इसका ना, इसका जो दोगुना क्या हुआ था, स्तूप को जो दोगुना किया था वो शुंग काल में, शुंग काल में किया गया था। इसके दक्षिणी द्वार पर एक वाक्य लिखा हुआ है, इसके दक्षिणी द्वार पर एक वक्तीय यानी वाक्य लिखा हुआ है जिसपे क्या है? सत्कर्णी द्वार, सत्कर्णी द्वारा इसको धर्मार्थ दान में दिया गया था,
धर्म के लिए दान में दिया गया था, जिसको दोगुना किया गया था, इसको सांची के स्तूप को। चिरतोपे स्तूप का उल्लेख, एक स्तूप और था जिसका नाम था चिरतोपे, उसका जो स्तूप का उल्लेख है वो तक्षशिला में किया गया है। क्या तक्षशिला में मिला था ये, इसका उल्लेख तक्षशिला में किया गया और किसने किया था, सर मार्शल के अनुसार 1908 ईस्वी में शाहजी की डेयरी से स्तूप मिला। इसका उल्लेख, ये जो चिरतोपे स्तूप का उल्लेख तक्षशिला से हमें मिलता है, लेकिन इसकी खोज करने वाले कौन थे, वो मार्शल जी थे। समय था 1948 ईस्वी, स्थान था शाहजी की डेयरी से। इसका निर्माण करने वाला कौन था, इसका निर्माण कनिक्स ने किया था। इसका उल्लेख फाइयान करते हैं, फाइयान के अनुसार, क्योंकि कनिक्स और सातवाहनों के बाद में मौर्य काल ही स्टार्ट हुआ था, तो वहां पर ये फाइयान विदेशी यात्री थे जो वहां पर भ्रमण करने के लिए आए थे, इसलिए इन्होंने भी इसका जिक्र किया है। इस काल में, कनिक्स के काल में दो चीजों का बहुत ज्यादा विकास हुआ था, मथुरा कला और गंधार कला का विकास हुआ था। तो पहली जो मूर्ति है ना, बुद्ध की पहली मूर्ति किसमें बनी थी, मथुरा कला में। बुद्ध जी की पहली मूर्ति मथुरा कला में बनी थी, और इसका समय था कनिक्स जी का। शासक कौन थे, कनिक्स, और समय कनिक्स का शासन काल। अब देखो, मथुरा कला की हम बातें करते हैं तो क्या है, मथुरा कला एक आदर्शवादी है और गंधार कला कैसी है, यथार्थवादी। और गंधार कला में क्या है, गंधार कला की जो मुख्य विशेषता वो क्या कहें कि शारीरिक, इसमें शारीरिक विवरण, मसल्स, त्वचा और मूछे और चित्रांकन किया जाता है। यानी यह गंधार कला की एक विशेषता है कि इसमें शरीर का विवरण दिया जाता है, मसल्स भी बनाए जाते हैं, त्वचा भी दी जाती है, मूछे भी और चित्रांकन आदि दिया जाता है। यह गंधार कला की विशेषता है। प्रमुख विशेषता क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि मोटे कपड़े के सिलवटों का चित्रण। जो इन्होंने मूर्ति बनाई तो उस मूर्तियों के ऊपर इन्होंने एक तरीके से कपड़े, जो मूर्तियों को कपड़े पहनाए जाते हैं उसमें इसकी विशेषता है कि उसका चित्रण, सिलवटों का चित्रण भी इन्होंने दिया था। ये गंधार कला की विशेषता है। अब मथुरा कला की बातें हम करते हैं तो मथुरा कला की जो मुख्य विशेषता है, प्रमुख विशेषता, वो आध्यात्मिक भावना है। यानी कि ये मूर्ति बनी हुई है वो आध्यात्मिक, उनसे प्रतीत होता है कि भगवान बुद्ध हैं, जो आध्यात्मिक यानी साधना करते हुए ज्यादातर दिखाए गए हैं। और गंधार कला में क्या है, बुद्ध यूनानी के देवता थे अपोलो, उनकी तरह दिखाए गए हैं। बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो की तरह गंधार कला में दिखाया गया है। और पूर्वी दक्कन और कृष्ण और गोदावरी घाटी में मथुरा कला, गंधार कला, और उसके बाद में एक कला यानी एक शैली और विकसित होती है, वो कहाँ होती है, पूर्वी दक्कन के कृष्णा गोदावरी घाटी में, जिसका नाम था अमरावती शैली। इसका विकास हुआ, अमरावती शैली का भी विकास। इनका जो समय है वो मौर्योत्तर काल ही है, और कनिक्स, जो राजा कनिक्स थे उनके समय में इन शैलियों का या फिर इन कलाओं का ज्यादातर विकास हुआ, और उन्हीं के समय में ये फली फूली। इनका जो केंद्र था अमरावती शैली का वो था नागा अर्जुन कोंडा, अमरावती घटसाल जगपेट्टा। ये प्रारंभिक उदाहरण है किसके, अमरावती शैली के। इसमें क्या है, सांसारिक और भौतिक इंद्रिक सुख पर अधिक बल दिया गया है। अमरावती
स्तूप में, अमरावती का जो स्तूप है उसमें संगमरमर की मूर्तियां हैं। इसकी विशेषता है इसमें संगमरमर की मूर्तियां हैं। और नागा अर्जुन कोंडा स्तूप में क्या है, ये इक्ष्वाकु राजाओं राजाओं के द्वारा निर्मित हुआ था। नागा अर्जुनी कोंडा इक्ष्वाकु राजाओं के द्वारा निर्मित हुआ था। इस काल में दीवार चित्रांकन का प्रमाण यानी दीवारों पर चित्र बनने का प्रमाण मिलता है। क्या? दूसरी सदी का प्राचीन उदाहरण, इक्ष्वाकु राजाओं ने जो नागर अर्जुनी कोंडा स्तूप का निर्माण कराया था इसमें क्या है, दीवारों का चित्रांकन के प्रमाण, दीवारों पर चित्र बनने के प्रमाण मिलते हैं। और दूसरी सदी का सबसे प्राचीन उदाहरण जो है सरगुजा, सरगुजा के पास में रामगढ़ पहाड़ी पर, रामगढ़ की पहाड़ी पर जोगी मारा गुफा में पाया गया है या फिर पाया गया था। क्या? ये दीवार के चित्रांकन का जो प्रमाण है यानी दीवार पर चित्रकारी का जो प्रमाण है वो सबसे प्राचीन उदाहरण दूसरी सदी में सरगुजा के पास में रामगढ़ की पहाड़ी और उसमें जोगी मारा गुफा में पाया गया है। गंधार शैली की अगर हम बात करें, गंधार शैली को ग्रीक बुद्ध शैली भी कहा जाता है। इसकी क्या विशेषता है कि इसे ग्रीक बुद्ध शैली भी कहते हैं। यह यथार्थवादी शैली है। क्या? यथार्थवादी शैली है। और इसकी उत्पत्ति एशिया माइनर और यूनानी हेलेनिस्टिक कला थी, यानी कि यह एशिया माइनर में और यूनानी हेलेनिस्टिक कला का ही एक रूप है जिसको हम गंधार या ग्रीक बौद्ध शैली भी कहते हैं। इसका निर्माण जो यूनानियों ने किया था, और इसमें क्या क्या विशेषता है, बुद्ध और बोधिसत्व की शैल मूर्तियां यानी शिलाओं की मूर्तियां और बुद्ध के जीवन का चरित्र और जातक की कहानियां इस गंधार शैली के अंतर्गत दर्शाई गई हैं या फिर इनमें हमें मिलती हैं। इस शैली के अंतर्गत हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। और गंधार शैली की विषय क्या है, भारतीय। गंधार शैली का जो विषय है वो भारतीय, लेकिन अंकन, भाई विषय तो इनका भारतीय था लेकिन इनका जो अंकन है वो क्या है, यमन और रोमन कला यानी विदेशियों से यह प्रभावित थी। यमन और रोमन कला से भी यह प्रभावित थी। और जॉन मार्शल हैं, इन्होंने इस कला को यानी कि यह कला कब थी, 25 ईस्वी से 60 ईस्वी के मध्य यह प्रभावित थी। और जॉन मार्शल जी के अनुसार एक कला थी जो कि 25 ईस्वी से 60 ईस्वी के मध्यम थी, इसको क्या था, पल्लव काल में जन्मी और कुषाण काल में विकसित हुई। जॉन मार्शल जी का यह मानना है कि यह कला 25 ईस्वी से 60 ईस्वी के मध्य पल्लव काल में जन्मी और कुषाण काल में विकसित हुई और चौथी सदी ईस्वी में ह्रास यानी नष्ट हो गई। यह नष्ट हो गई। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुषाणों के सिक्कों के बारे में, उनके आस्था के बारे में, उनके सिक्कों पर कौन कौन से अंकन मिलते हैं और कौन कौन से देवताओं के प्रति वो उनका रुझान था, उनके बारे में, उनकी कला और वास्तुकला के बारे में और उनके स्तूपों के बारे में, ठीक है, जो भी पेपरों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते थे उनके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। उम्मीद करता हूं कि आपको अगर सिक्कों के बारे में कोई भी प्रश्न आ जाए या उनके सिक्कों पर किन किन देवताओं के आकृतियां अंकन थे उनके बारे में आ जाए या फिर ग्रीक भाषा में उनको क्या क्या नाम से पुकारा जाता उनके बारे में आ जाए या कुषाणकालीन स्तूपों के या गंधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए
तो उम्मीद करता हूं आप उसका बड़ी आसानी से जवाब दे दोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियो को देखने के लिए मेरे लिंक पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।